साल 1953 में पाकिस्तान के पंजाब और ख़ास तौर से लाहौर में जब जमात इस्लामी के अहमदिया विरोधी आंदोलन ने हिंसक रूप लिया, तो उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम ख्वाजा नजीमुद्दीन उस आंदोलन को रोकने में नाकाम रहे। उन्हें इसकी सजा कुर्सी गंवाकर चुकानी पड़ी थी। पहले तो गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन जब ख्वाजा नजीमुद्दीन ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो फिर उन्हें पद से ही हटा दिया गया। ये पाकिस्तान का पहला आधिकारिक तख्ता पलट था, जिसके बाद पाकिस्तान की कमान संभाली मोहम्मद अली बोगरा ने। लेकिन वो भी अपने पद पर लंबे वक्त तक नहीं रह सके और उन्हें भी उनके ही बनाए गवर्नर जनरल ने पद से हटा दिया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों पर आधारित खास सीरीज तख्ता पलट की आज की तीसरी किश्त में बात होगी पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा की, यानी कि साहिबजादा सैयद मोहम्मद अली चौधरी की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नजीमुद्दीन के शासन के दौरान 1953 में जब अहमदिया मुस्लिमों के खिलाफ जमात इस्लामी ने दंगे शुरू किए, तो ऐसे हालात से निपटने के लिए गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने अमेरिका से एक शख्स को कराची बुलाया। उस शख्स का नाम था साहिबजादा सैयद मोहम्मद अली चौधरी, जिसने पाकिस्तान को अमेरिका परस्त बनाने में खासी मदद की थी। तब साहिबजादा सैयद मोहम्मद अली चौधरी अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुआ करते थे। वो कराची वापस तो लौटे इसलिए थे ताकि अहमदिया मुस्लिमों के खिलाफ चल रहे दंगे को रोकने में गवर्नर की मदद की जा सके और वजीर आजम ख्वाजा नजीमुद्दीन की भी मदद की जा सके। लेकिन जब वो कराची आए तो गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने वजीर आजम ख्वाजा नजीमुद्दीन को पद से बेदखल कर दिया और वजीर आजम के पद पर साहिबजादा सैयद मोहम्मद अली चौधरी को बिठा दिया। इतना ही नहीं, मलिक गुलाम मोहम्मद ने साहिबजादा सैयद मोहम्मद अली चौधरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी बना दिया और पार्टी में इसके खिलाफ कोई बगावत के सुर भी नहीं उठे। लेकिन सैयद मोहम्मद अली चौधरी कहिए या कहिए मोहम्मद अली बोगरा, नेता नहीं थे, वो एक राजनयिक थे और पाकिस्तान का वजीर आजम बनने से पहले वो अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुआ करते थे। उनका पाकिस्तानी अवाम से कोई सीधा वास्ता नहीं था, जबकि उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थीं कि पाकिस्तानी अवाम को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसकी बात में वजन हो। मोहम्मद अली बोगरा ने जनता का यकीन जीतने के लिए अपनी सरकार की नई कैबिनेट का गठन किया, जिसमें बेहद ही काबिल लोगों को रखा गया। रक्षा मंत्री के तौर पर मोहम्मद अली बोगरा ने तब के पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल अयूब खान को नियुक्त किया, तो गृह मंत्री के तौर पर पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड जनरल इस्कंदर अली मिर्जा को चुना गया। मोहम्मद अली बोगरा की नई कैबिनेट की तारीफ जितनी पाकिस्तान में हुई, उससे भी ज़्यादा अमेरिकी नेताओं ने बोगरा की तारीफ की। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपने खजाने तक खोल दिए। वहीं बोगरा के वक्त में ही पाकिस्तान की नज़दीकी चीन से भी बढ़नी शुरू हो गई थी। तब भारत के साथ भी अमेरिका के संबंध थोड़े बेहतर हो रहे थे। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को खुश करने के लिए बोगरा ने तब के भारत के प्रधानमंत्री नेहरू को कराची बुलाया और खुद भी दिल्ली आए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच संबंधों को सुधारने की बात भी हुई और इसके लिए कश्मीर एक अहम मसला था जिसका सुलझना जरूरी था। दोनों देशों के नेताओं के बीच कश्मीर में जनमत संग्रह पर भी सहमति बन गई। इस बीच पाकिस्तान का संविधान बनने की कवायद भी शुरू हो गई। वजीर आजम साहिबजादा सैयद मोहम्मद अली चौधरी उर्फ मोहम्मद अली बोगरा ने पाकिस्तान के संविधान से जुड़ा एक बड़ा प्लान पेश किया, जिसे बोगरा फार्मूला कहा गया। इसके तहत कुछ बड़ी बातें थी, जिसमें पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और सीनेट बनाने की बात की गई थी। नेशनल असेंबली में 300 सीटें और सीनेट में 50 सीटों का प्रस्ताव था। प्रस्ताव ये भी था कि पाकिस्तान के 5 प्रांतों, यानी कि पंजाब, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, सिंध और बंगाल में से अगर पश्चिम के 4 प्रांत से प्रधानमंत्री बनता है तो राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से बंगाल से होगा। बोगरा फॉर्मूले में सुप्रीम कोर्ट को भी ताकत दी गई थी। बोगरा करीब करीब अमेरिका जैसा संविधान पाकिस्तान में भी लागू करने की कवायद कर रहे थे। आम जनता ने बोगरा के इस फॉर्मूले का खुले दिल से इस्तकबाल किया। ये ऐसा फॉर्मूला भी था जिसे पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई खाई को भी पाटा जा सकता था, जो भाषा के नाम पर बोगरा से पहले वजीर आजम रहे ख्वाजा नजीमुद्दीन के शासन के दौरान खुलकर सामने आ गई थी। लेकिन बोगरा का यह फॉर्मूला पाकिस्तान में कभी लागू ही नहीं हो पाया। फिर बोगरा ने एक और सुझाव दिया कि पश्चिमी पाकिस्तान के सभी 4 प्रांतों को एक कर दिया जाए। इसका भी विरोध हो गया। इस बीच पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने नासाज तबीयत का हवाला देकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगी,
जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। 7 अगस्त 1955 को पाकिस्तानी कैबिनेट ने गृह मंत्री इस्कंदर अली मिर्जा को कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना दिया और इसी के साथ ही साहिबजादा सैयद मोहम्मद अली चौधरी उर्फ मोहम्मद अली बोगरा के बुरे दिन शुरू हो गए। आए दिन इस्कंदर अली मिर्जा और साहिबजादा सैयद मोहम्मद अली चौधरी के बीच झगड़े शुरू हो गए और नतीजा ये हुआ कि इस्कंदर अली मिर्जा ने मोहम्मद अली बोगरा को उनके पद से हटाकर वापस उन्हें अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर बना दिया और पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बने मोहम्मद अली बोगरा की कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे मोहम्मद अली। तख्तापलट सीरीज के अगले एपिसोड में कहानी मोहम्मद अली की, जिन्हें उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उन्हें पद और पार्टी दोनों से हटा दिया था। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए अनकट।